ये पार्लियामेंट के सामने ये एक बड़ी कोई खूबसूरत सी बिल्डिंग है, और यहाँ पे अंदर लोग यहाँ पे बैठ के चेस वगैरह भी खेल रहे हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इस बिल्डिंग के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो आइए ज़रा हम खुद ही चल के देखते हैं कि अंदर के ये है क्या बिल्डिंग एक्चुअली। तो ओके, दिस इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ हेलसिंकी सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी है बेसिकली। तो ऑलराइट, काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है, और देखा जाए तो वाओ ब्यूटीफुल यार। ये देखिए अंदर से कितनी प्यारी है। ये जो कंट्रीज हैं, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इनकी सक्सेस का राज ही है ये कि ये लोग अपनी तालीम पे बहुत खर्चा करते हैं। आप इनकी लाइब्रेरीज़ को देखेंगे, आप दंग हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो हमारे मुल्कों में ऐसे मॉल्स नहीं होते जिस तरह की इन्होंने लाइब्रेरीज़ बनाई हुई हैं। ज़ाहिर है एक चीज़ जो अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी, तो आपका भी दिल करेगा कि आप जाके बैठें। और पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने ये देखिए, ये पार्लियामेंट है और ये लाइब्रेरी है। अगर ये पाकिस्तान होता तो 7-7 किलोमीटर तक तो आम बंदे को जाने की इजाज़त नहीं होती पार्लियामेंट में। और यहाँ देखिए, पार्लियामेंट के सामने लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए भी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये होती है कौम, ये होता है कल्चर। सिर्फ लाइब्रेरी चेक करें यार, कितनी खूबसूरत है और कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को लोगों को। मतलब देखिए लोग बैठ के कितना एंजॉय कर रहे हैं। स्टडी रूम्स हैं इस तरह के, और जब एक कौम, जब एक गवर्नमेंट तालीम पे इतना खर्चा करेगी तो जाहिर है फिर उस मुल्क से बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट निकलेंगे ना। और इस लाइब्रेरी में करने को इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखें, ये है अर्बन वर्कशॉप, और ये देखें यहाँ पे आप म्यूज़िक भी है, आप यहाँ पे गिटार वगैरह भी बोरो कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं करने को कि बस ना पूछिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह के वर्चुअल रियलिटीज़ में गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। चेक करें, क्या लाइब्रेरी है यार यहाँ पे। तो इस तरह की अगर लाइब्रेरी हो तो मैं रोज़ आके बैठूं। और ये है इस लाइब्रेरी का थर्ड फ्लोर। लाइब्रेरी चेक करें यार, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे करने को। अमेजिंग अमेजिंग, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है और इतना सब कुछ है यहाँ पे करने को कि बस ज़बरदस्त। ये देखिए, इस तरह की इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं। अगर आपने नीचे यहाँ से जाना है तो ये देखिए कितनी स्टाइलिश सी है। और हर जगह नाम ही नाम है, कुछ है ज़बरदस्त। ये सब लोग बैठ के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं यहाँ से बाहर का व्यू। यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए सामने पार्लियामेंट के सामने ये लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी। ऑसम, बेहतरीन। इसी तरह ये यहाँ पे भी इस तरह का एक सिटिंग प्लेस है। ये देखिए लोग ऊपर बैठे हुए हैं। क्या खूबसूरत लाइब्रेरी है यार, ज़बरदस्त।